हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ। तो ए भाई, पूरा वीडियो बवाल है बवाल। तो हमने इस मैप में भाई कर दिया एरिंगल का कीमत करोड़ों में। तो ये वीडियो भाई कुछ अनोखा है, आप देख के ही जाइएगा, पूरा आपको मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, तो देखो पहले तो मैं मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा नहीं मरता। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लूट लेता हूँ, हेलमेट वेस्ट मिल जाए तो, नहीं तो भाई बंदा मेरे को मार देगा रे। तो यहाँ पे भाई अभी हम देख दे कि भाई क्या एम असिस्ट ऑफ ही है ऑन। तो ऑफ ही होता है तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे बंदे ढूंढते हैं भाई फुल स्टेप आए तो, लेकिन यहाँ पे फुल स्टेप आता नहीं। और मेरे पास जब तक भाई हेलमेट वेस्ट नहीं आ जाता तो भाई थोड़ा सा चैन नहीं पड़ता। भले हेलमेट वेस्ट एक का हो लेवल, पर भाई मिलना चाहिए पहले हेलमेट वेस्ट ही। तो यहाँ पे भाई मेरे को हेलमेट वेस्ट नहीं मिल रहा था, मेरे पास वेस्ट था लेकिन हेलमेट नहीं मिल रहा था। अरे तो यहाँ पे मैं हेलमेट ढूंढता हूँ लेकिन भाई कहीं पे दिख नहीं रहा था। तो पहले अभी गोलियाँ ही उठा लेता हूँ। चलो तो यहाँ पे भाई इस बंदे को मार देते, शायद बोट था तो कोई बात नहीं। इसको भाई हेड लग गया तो इसका भी डैमेज हो गया होगा कि तब भी यहाँ से मेरे को लेवल 1 का हेलमेट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये बंदा भाई हमको मारने के लिए आता है लेकिन नहीं मार पाता। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ मोली कर दूँ इसके ऊपर कि तभी एक बंदा पीछे से आके मेरे को मार देता है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे देखो एक बंदा सामने से आ रहा था, तो अभी थोड़ी सी तो लड़ाई करनी चाहिए। मैंने सोचा कि भाई जब हम मर जाए तो लड़ाई में कुछ नहीं रखा, सामने वाले मरते हैं तो कुछ तो मिलता है। तो यहाँ पे भाई मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि भाई अभी काफ़ी सारे पाप तो कर लिए, चलो थोड़ा सा पुण्य करते। तो यहाँ पे देखो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो आज अभी इलिंगल की कीमत बढ़ा दी जाए। तो हमको भाई BGMI वाले भी शाबाशी देंगे और भाई बंदे भी देंगे। आप सोचोगे भाई कैसे, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई इलिंगल की सभी गाड़ियों को लैम्बो बना दी जाए। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ से शुरुआत करते। तो यहाँ से अभी हम लैम्बो बना के निकलते और उस साइड से फायर आया था ओटर सिटी का पास से, लेकिन भाई किल नहीं करने थे अभी क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका था। तो हमको थोड़ा सा करना था, तुम समझ गए होगे। तो यहाँ पे देखो अभी हम लैम्बो लेके निकल चुके थे, तो भाई क्या ही साउंड है लैम्बो का, सुनो तुम। तो यहाँ पे भाई अभी हम आगे जाके सभी गाड़ी को लैम्बो बनाने वाले थे क्योंकि भाई जो भी बंदा निकलेगा सबके पास लैम्बो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये रही कुक, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं लैम्बो बनाने का। तो यहाँ पे इसको छोड़ देते और अभी कुक लेके निकल पड़ते दूसरी गाड़ियों को ढूंढने के लिए। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखो एक के बाद एक और बंदे बीच में आएंगे, तो भाई उसको भी हम मारने वाले तो थे नहीं। तो यहाँ पे देखो हम आपको पूरा भाई देखने वाले थे कितनी गाड़ियों को हमने लैम्बो बनाए, नहीं तो भाई आप बोलोगे कि एक भी गाड़ी को नहीं बनाए। तो यहाँ पे अभी हम आके रुकते हैं। तो यहाँ पे कूप थी तो हमको बनाना था इसको लैम्बो, और सामने के घर में होता है एक बोट। तो यहाँ पे देखो हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा नेटवर्क कम आ रहा है तो पहला नेटवर्क का देख लेते। और देखो वो सामने वाला बोट ही था। तो यहाँ से मेरे को पहले ही डर लग रहा था कि भाई वो मैं उसको लैम्बो बनाने जाऊँ और वो मेरे को मार ना दे। तो यहाँ से मेरे को दिख जाता है तो वो पक्का बोट ही था। तो यहाँ पे देखो अभी हम ये भी लेके निकल जाते और उसको मारने के लिए भी नहीं जाते। तो यहाँ पे अभी वो गाड़ी छोड़ दी, मतलब कि वो भी लैम्बो है, ये भी लैम्बो, ऐसे हम छोड़ते जाएंगे एक के बाद एक। तो यहाँ से निकलते और आगे पहुँचते तो देखो एक और कूप होती और लेफ्ट में डासिया भी होती है। तो अभी यहाँ पे सोचते कि दोनों को अभी लैम्बो बना दी जाए। तो अभी भाई हम पूरे इलिंगल को लैम्बो बनाने वाले थे, मतलब कि जितनी गाड़ी है उसको, जो भी भाई जोन में लास्ट तक रहेगा सबको बनाते जाएंगे बाहर से, मतलब कि जोन के कॉर्नर से। तो यहाँ पे देखो अभी इसको छोड़ दिया और इसको लैम्बो बना दिया और यहाँ से निकलते हम। तो यहाँ पे भी हम इस लैम्बो को लेके निकल जाते भाई दूसरी गाड़ी है ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई अभी हमको लैम्बो ही बनाना था। तो पहले यहाँ पे सोचते कि भाई बगी उठा लेते, नहीं तो दूसरी गाड़ी का तो फ्यूल भाई कभी भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे भाई बगी उठा ली और एक के बाद एक गाड़ी को हम लैम्बो बनाते ही जा रहे थे। देखो तुम, तो यहाँ पे भाई एक और कूप मिली थी तो उसको, और ये देखो भाई पूरा कॉर्नर पे आ चुका हूँ मैं, विमोस के पास भी आ गए। यहाँ पे भी एक गाड़ी मिल गई तो इसको भी लैम्बो बना दिया। तो अब भाई गिनती कर लो कि भाई एरिंगल की कीमत कितनी हो गई, क्योंकि भाई सभी गाड़ी को लैम्बो बना दिए। तो भाई लैम्बो की कीमत आपको पता ही होगा कि करोड़ों की है। तो यहाँ पे हमने भाई एरिंगल मैप की कीमत करोड़ों में बना दी।
तो यहाँ पे अभी हमको एक गैरेज में भी गाड़ी दिखती है, देखो तो यहाँ पे सोते इसको भी बनाते जाए। तो यहाँ पे भाई जितनी भी गाड़ी दिखेंगे बंदे के अलावा कि उसको सबको बना देंगे, और बंदे भी बनाने देंगे तो उसकी गाड़ी को भी लैम्बो बना देंगे। क्योंकि भाई अभी हम ये अपने लिए नहीं, सारे बंदे के लिए कर रहे थे, मतलब कि जो भी भाई गाड़ी उठा ले उसके पास लैम्बो हो और उसको लैम्बो चलाने का मजा आ जाए। तो यहाँ पे हमको भाई लैम्बो चलानी होती तो हमारे पास तो थी, हम आसानी से चला सकते थे। लेकिन भाई आज हमने सोचा कि लास्ट जोन में सब लैम्बो लेके निकले, मतलब कि सबको ऐसा लगे कि पूरे सर्वर के पास लैम्बो ही है। तो यहाँ पे देखो इसको भी लैम्बोर्गिनी बना दी, और यहाँ से अभी फिर से हम निकलते। तो यहाँ पे भाई अभी हमको जितनी भी गाड़ी, मतलब कि गैरेज बंदे किसी की भी गाड़ी दिखेगी और बनाने देगा तो हम बनाने वाले ही थे। तो यहाँ पे भाई हमको कूप की ज्यादा लैम्बो दिखी थी, मतलब कि कूप ज्यादा मिली थी तो कूप की ज्यादा लैम्बो बनी हुई थी, और दूसरे नंबर पे डासिया की, और उरुस तो शायद एक या दो ही बनी है अभी पता नहीं, और यहाँ पे एक और मिल जाती है तो इसको भी बना देते। तो भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी लैम्बो बना के हमने सोचा कि भाई बंदे मौज कर ले लैम्बो चला के। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे पोचिंग की पे, तो यहाँ पे देखो क्या सीन हो जाता है हमारे साथ। तो यहाँ पे होती है एक डासिया, तो मैंने सोचा कि इसको भी बना दो, तभी उसका मालिक निकलता है बाहर और बोलता है कि भाई चला जा तू यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तो यहाँ पे आके रोकता हूँ और देखो क्या होता है मेरे साथ से। तो यहाँ पे जैसे ही भाई टर्न लगाए और 56 खिड़की से एक बंदा कूदता है नीचे। तो यहाँ पे भाई हमने पाप करना नहीं था, लेकिन यहाँ भाई बंदे ने जबरदस्ती करवा दिया, नहीं तो भाई हम देखते कैसे कि क्या होने वाला है लास्ट जोन में। तो यहाँ पे अभी हम कर लेते हीलिंग और लगा लेते बूस्टर, और यहाँ पे अभी हम भाई सोचते हैं कि उसकी भाई डासिया को भी लैम्बो बना के आ जाए वापस। तो यहाँ पे अभी हम निकलते उसकी डासिया को लैम्बो बना के लिए, मतलब कि हम नीचे है तो भाई लैम्बो बना के वहाँ से निकल जाएंगे, और देखो क्या होता है। लैम्बो तो बनाने के बाद दूर भाई बंदे ने तो हमको मार दिया भाई। तो हम यहाँ पे भाई दूसरे को राजी करना चाहते थे, लेकिन क्या बताए भाई एक बंदे को हमारे पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया और इसने हमको मार दिया, तो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा रे।